मेरा काम जय श्री राम। मोदी जी के नेतृत्व से ये काम हुआ है। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज पूरा विश्व राममय है। रामलला के जो मंदिर की जो आज मूर्ति स्थापना हुई, उनका प्रणाम प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। आजाद भारत का एक अधूरा सपना आज सच हो चुका है। रामलला का मंदिर स्थापित हो चुका है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण किया गया है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो भी पूरे विधि पूर्वक। और पूरा भारत आज राममय हो चुका है और पूरा भारत अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इस उपलक्ष्य को मना रहा है। आज हम मौजूद है जयपुर की RFC कॉलोनी में और यहाँ के कॉलोनी वासी भी अपने एक अलग तरीके से इस उपलक्ष्य को मना रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे एक भव्य आयोजन का निर्माण किया है। पौष बड़ा प्रसादी की गई है और आप देख सकते हैं कि मंदिर को इस तरीके से सजाया गया है और कुछ कॉलोनी वासी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? SN तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी, आप देख सकते हैं कि ये एक अधूरा सपना, जो आज़ाद भारत का एक अधूरा सपना था, वो आज पूरा हो चुका है और पूरा भारत आज राम में है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा काम जय श्री राम। ये बड़ा संयोग है, बड़ा अच्छा विषय है हमारे लिए कि आज प्राण प्रतिष्ठा का जो अपना कार्यक्रम चला हिंदुस्तान भर में, और उसके साथ साथ में हम जो हमारी परंपरा के हिसाब से हम RFC के अंदर पोस्ट बड़ा का कार्यक्रम करते रहे, उसको हमने दोनों को साथ मिलाया और ये बड़ा हमारे वासी जो है इस कॉलोनी के, वो बड़े प्रफुल्लित हो रही हैं। मंदिर को हमने सजावट करी है, दीपक जला रहे हैं और पुरुष का आनंद भी ले रहे हैं और सारा वातावरण राममय हो रहा है। मेरी बड़ी शुभकामनाएं सबको। इनका कहना है कि सारा वातावरण राममय हो चुका है। जी सर, आपका क्या नाम है? मैं विनोद कपूर। RFC के जस्ट पास में ही मेरा हाउस है और इनका आमंत्रण था तो मैं आज आया। कैसा लग रहा है कि पूरा वातावरण राममय है, ऐसा इतना बड़ा उपलक्ष्य है, तो क्या कहना चाहेंगे? सारे देश को ही मालूम है, अब जागृत हो गया है कि 500 वर्ष से ये पेंडिंग इशू था, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से वर्तमान सरकार ने और स्पेशली मोदी जी के नेतृत्व से ये काम हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राउड फील हो रहा है कि वी आर हिंदूस, और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा इवेंट है ये, और इसको बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया गया है और हर सूक्ष्म पहलू को बहुत अच्छी तरीके से देखा गया, जैसा कि TV से पता लग रहा है, अखबारों से भी आ रहा है, TV पर ज़्यादा पता लग रहा है कि हर सूक्ष्म पहलू को, मूर्ति बनानी है तो किससे बनवानी है, किस टाइप की बनवानी है, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, उसने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ कौन सी बनाई हैं, फिर उसका चयन एक कमेटी करेगी, फिर वो कमेटी से चयन हुआ, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क कैसे होना चाहिए, दूसरी जो वहाँ की अयोध्या की जो और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, सीवरेज है, ड्रेनेज है, जितनी भी ये पहलू हैं उनको बहुत सूक्ष्मता से काम किया गया और योगी जी भी मुस्तैदी से उन्होंने अपना UP में जो नेतृत्व रखा हुआ है और मोदी जी की प्रेरणा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जल्दबाजी की गई है, गुंबद नहीं बनी है, शंकराचार्य का भी ऐसे बयान है, इसके लिए क्या कहना है? मुझे तो इसमें यही कहना है कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि X खराब है, Y खराब है, उससे मेरा कोई दायित्व तो नहीं बनता मैं कहूँ या मैं ज़्यादा कहूँ। संकेतिक ये कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा काज है, नेशन के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और सब लोगों को इसमें राजनीति छोड़ के एक बार तो इसमें आना चाहिए और कोई डर वर नहीं महसूस करना चाहिए कि भाई हम हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक चीज़ है जिसको यथार्थ में समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं RFC कॉलोनी में रहता हूँ। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम अपने जीवन में दर्शन कर सके। भगवान श्री राम की प्रेरणा से माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा, सबसे बड़ा उनके हाथ से कार्य ये होना था, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और जब मोदी जी का ही सारा किया हुआ है, पिछले 70 साल से कुछ नहीं हो पाया, 500 साल उससे पहले जब आज़ाद नहीं थे तब तो होना की संभावना कम थी, पर अब हुआ है तो मोदी जी को ही श्रेय जाता है। और इसमें भगवान राम के स्थापना की खुशी मनानी चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सबका कहना है कि मोदी जी को पूरा श्रेय जाता है। जी आपका क्या नाम सर? लक्ष्मण सिंह केनिया। क्या कहना चाहेंगे सर, इतना भव्य उपलक्ष्य हो रहा है, इतनी लोग राम में हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहना है?
ये आर्यावर्त की धरती देवभूमि है। इस भूमि में एक से एक अनेक अवतारों ने जन्म लिया है और उन्होंने पूरे संसार का मार्गदर्शन किया है। आज हम भाग्यशाली हैं कि इस वक्त जब आज पूरा विश्व राममय है और भगवान श्री राम के जन्म स्थान का इतना भव्य निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, उसके हम गवाह हैं। हमारा जन्म इस वक्त हुआ है इसलिए हम इसके गवाह हैं। जो ये इतने 500 वर्षों से हम जिस बात में दबे कुचले इंतज़ार कर रहे थे कि कभी भगवान श्री राम का स्थान जो है ऐसा खूबसूरत बनेगा, वो हमारा जो स्वप्न था उसने आज साकार रूप ले लिया है। ये देने में ये योगी जी और मोदी जी, इन सब लोगों का ये एक देवदूत के रूप में अवतरित हुए हैं जिन्होंने इस काम को साकार किया है। और प्रत्येक 130 करोड़ हिंदुस्तान में निवास करने वाले हम हिंदुओं का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। इनका कहना है कि मोदी जी और योगी जी देवदूत के रूप में हमारे सामने आए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? जी महिलाएं भी कुछ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष नोवाल, मैं 126 RFC कॉलोनी में रह रही हूँ और मैं 1993 से रह रही हूँ क्योंकि 92 में अयोध्या कांड हुआ था, तो मैं 93 से यहाँ रह रही हूँ। सबसे पहला मकान ही मेरा ही है और मैं आपके यही कहूँगी कि जो आज ये हुआ है मोदी जी की वजह से और योगी जी की तरफ से, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, तो उसके लिए मैं बहुत कतायक तो मतलब हृदय से काफ़ी मैं प्रफुल्लित हूँ। और यही है कि मेरा यही है कि मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाह रही हूँ अपनी ओपिनियन से कि ये राम राज्य की शुरुआत है। कहना है कि ये राम राज्य की शुरुआत है। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम शशि राठौड़ है, अभिभूत हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि इस युग परिवर्तन को देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, कितने युगों से जिस चीज़ का इंतज़ार था, तो हर भारतवासी को, हर सनातन धर्मी को के लिए आज का दिन बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खुशी की। कहना है कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी आपका क्या नाम? मैं उषा कपूर हूँ और यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाई गई हूँ। मैंने सोचा ये इतना सुंदर मौका है, आज कई जगह गए पर राम लल्ला की स्थापना वाला दिन जो तरस करके हमारे जीवन में आया है, वो उसके लिए मैं अवश्य जाऊंगी और निमंत्रण में मैंने स्वीकार किया और राम लल्ला को इतना याद किया, स्मरण किया, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। और प्राण प्रतिष्ठा देखी, देखने के बाद लगा कि जल्दी से अयोध्या पहुंच जाए और हम भी उनके दर्शन करें। कहना है कि अयोध्या पहुंच करके दर्शन करें। और जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति बराठी है। हाँ जय श्री राम। आज हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हम लोगों की बिल्कुल इतने सालों की तपस्या सबकी पूरी हुई है, कार सेवकों का बलिदान काम आया है, हम सब आज बहुत खुश हैं। कुछ और भी कॉलोनी वासी हमारे साथ यहाँ मौजूद है तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आप? मेरा नाम मधुसूदन रांकावत है। हाँ मधुसूदन जी, क्या राम में माहौल हो रखा है? आप अपनी कॉलोनी में यहाँ बैठे हैं, पोस्ट बड़ा प्रसादी चल रही है, पूरा भारत राम में हो रखा है, तो क्या कहना है? पूरी कॉलोनी राम में हो रही है, पूरा भारत राम में हो रहा है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व राम में हो रहा है आज की तारीख में तो। और ये एक ऐसी इवेंट है, ये ऐसी घटना है जो कि आने वाले एक प्रतीक के रूप में 22 जनवरी को मेरा ऐसा मानना है कि मनाया जाएगा। और ये 500 सालों के बाद में जाते हुए ये एक इतिहास की ऐसी घटना है जिसको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता हिंदुत्व के नाम पे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर सिंह कोछोर है, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर कॉलोनी में इतना ऐसा उपलक्ष्य है? हालांकि पोस्ट बड़ा हर साल होता है लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए मतलब कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत ही आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्ष बाद हमारे राम जी, जो जिनके कि हम भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो, क्योंकि हम कुछ वंश के हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और आनंद ही आनंद आ रहा है। और आज जितना अच्छा माहौल और जितना अच्छा लग रहा है सारे पूरे विश्व में, सारे पूरे भारतवर्ष में, इस बहुत इसको एक तरह से दिवाली के रूप में बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत फटाके छूट रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। पोस बड़े तो हर साल होते हैं बट आज का जो आयोजन है वो एक अद्भुत है और
इसमें सभी ने सबका सहयोग है और हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भारत और तरक्की करेगा। मोदी हैं तो मुमकिन है। आपका क्या नाम है सर? पीडी वर्मा। पीडी वर्मा, इसी कॉलोनी में रहता हूँ मैं और विकास समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ जनरल सेक्रेटरी होने के नाते। ये पीडी वर्मा जी हैं और सारा देखा जाए तो प्रहलाद जी और पीडी वर्मा जी ने एक पहल करके इस तरीके से इस आयोजन को किया है। तो सर जानना चाहेंगे कि आपने आज के दिन, पोस्ट बड़ा हर दिन होता है लेकिन हर साल होता है, लेकिन आज के दिन आपने इस उपलक्ष्य को अंजाम दिया है तो कैसा लग रहा है और क्या ये पहल है? आज रियल दिवाली है, आज रियल दिवाली है और देख ही रहे हैं हम चारों तरफ पटाखे छूट रहे हैं, रोशनी हो रही है, दिए जलाए जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, ये श्री राम का प्रताप है। और भी कुछ वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आप? YS भाटी। भाटी जी, पूरा भारत राममय है और कॉलोनी में तो हर साल पोस्ट बड़े होते हैं लेकिन इस बार पोस्ट बड़े के साथ एक और एक उल्लास देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज तो दीपावली का माहौल है यहाँ और पोस्ट बड़े के साथ साथ सारी सब घरों में दीप जले हैं, आज यहाँ भी खूब रोशनी हो रही है और पूरा संसार ही राममय हो रहा है बेसिकली। अब विरोधी अपने आप में कुछ करते रहते हैं, सब कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बताऊं कि ये रामेश्वरम, भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया, उसके बाद 6-7 पीढ़ियां लगी थी उस मंदिर को बनाने के लिए, तो वो मंदिर तो अपनी जगह बन गया है ना, गर्भगृह बन के उसके बाद चलता रहता कार्यक्रम। तो इससे ये बड़ी बचकानी सी बातें हैं लोगों की कि मंदिर पूरा नहीं बना, अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं। गर्भ शंकराचार्य जी का बयान आया है और भी कई राजनीतिक पार्टियां भी करती रहती हैं, उनका कहना है कि जहां इतने 500 वर्ष तक लोग रुके हैं तो एक साल और सही, तो ऐसा क्या कहना? एक साल दो साल से मतलब नहीं है, ये तो समय होता है। देखिए, एक समय होता है जब चीज़ होनी होती है ना, जब वो अपने अधीन नहीं होती, वो ईश्वर अधीन चीज़ होती है, जब होना होता है, वो राम को ये करना था इसलिए आज हुआ, अन्यथा ये किसी के बस की बात नहीं है कि साहब हम कर लेंगे या वो कर लेंगे या एक साल बाद कर लेंगे या 10 साल बाद कर लेंगे, जो होना था वो होएगा और ये निश्चित था आज होना है तो आज हुआ। और भी कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आप? मैं भैया डॉक्टर गुलाब सिंह, भूतपुर पार्षद नगर निगम जयपुर। डॉक्टर साहब, एक आज़ाद भारत का एक अधूरा सपना जिसे कहा जाए, वो कह रहे हैं कि वो पूरा हो चुका है, बहुत ही वर्षों की जो एक उम्मीद थी जिस सपने को पूरे होने की, वो आज पूरी हो गई है, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इसके लिए, राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए हमारे साधु संतों ने कितनी बलिदान किया और मैं अक्टूबर 90 में कार सेवक गया था जब गोली मार मार के सरयू नदी में फेंक दिए थी और मैं स्वयं कार सेवक होते हुए मैं बताता हूँ, शाम को 6 बजे से कलेक्टर, SB, SDM ठुकाई अंटरों से कर रहे थे, डंडों से पूरी फोर्स लगी हुई थी और कंकर पत्थर बीते सुबह तक ठुकाई करते रहे, पानी चाय तो दूसरी तीत थी, शाम को 6 बजे तक, दूसरे 6 बजे तक ईंट पड़ी थी 50 ट्रक, उनको जो कि डालो, मैंने मेरे जीवन में काम नहीं किया, 4 ईंट ले जाता था और डालता था। आज लोग बात करते हैं, उस टाइम मुलायम सिंह का राज था, मार मार के करंट लगा रखे थे सारे गट्टे लगा करके और क्या अन्याय किया था, और उस टाइम जब अगर ये बावरी मस्जिद का एक भी कंकर पत्थर ईंट वहाँ रहता तो नहीं बन सकता था, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता, लेकिन वहाँ कुछ रहा ही नहीं, सारा तोड़ कर, और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान था तो रितम्बरा जी का था, जिन्होंने ये कहा कि एक एक ईंट पत्थर ले जाओ और अपने घर ले जाके इन पे पेशाब करना। और राजनीतिक समझ रखते हैं तो मेरा एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि लोग भी कह रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मोदी जी को पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है कि उनकी वजह से, योगी जी की वजह से ये मंदिर का भव्य निर्माण हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता, इसके बारे में आप कहें? देखिए, इस मामले में तो ये कहा जाएगा मोदी जी अगर नहीं होते और इतना पेन नहीं लेते तो ये मंदिर नहीं बनता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता चाहे कुछ भी होता। आज हमारे जो भी लोग, कुछ लोग हैं पार्टी पॉलिटिक्स वाले,
वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर। अरे राम तो हिंदुस्तान के सर्वोपरि है, सबके देवता हैं, उनको ये कहना चाहिए था जो जाना चाहे जाए, हम जाएंगे, राम जी हमारे हैं। लेकिन उन्होंने अपने खुद ने ही जो है दुश्मनी का बीज बो लिया है। और 24 में मोदी जी बहुत बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया हम तो राम के लिए जाएंगे ही नहीं। तो जब जा ही नहीं रहे वो, तो उनको वोट कौन देगा? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राम मंदिर बनाने में कुछ जल्दबाजी की है, गुंबद नहीं बनी, शंकराचार्य का भी इस तरीके का कुछ बयान आया है, तो उसके लिए देखिए आप भी जानते हैं शादी ब्याह मंदिर कोई भी मकान पूर्णतः पूर्ण नहीं होता, उसको शुरू में करना पड़ता है। तो गर्भगृह बन गया और गर्भगृह में स्थापित कर दिया, फिर मंदिर तो अभी 2 साल में भी पूरा नहीं होगा। मंदिर की जो है शादी ब्याह का कभी काम पूरा होता है, मकान का कभी काम पूरा होता है, कोई कभी काम पूरा नहीं होता। तो मंदिर तो गर्भगृह जब बन गया और उसमें राम जी की स्थापना कर दी गई तो काम चालू हो गया। अब काम तो कितना बड़ा है, अयोध्या में काम चलता रहेगा। दूसरा कहते थे कि साहब मोदी जी को उनकी लुगाई नहीं है इसलिए उनको नहीं आना चाहिए था। ऐसा है, जिसने हवन किया है, जिसने प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया है, वो जोड़े से बैठे हैं। और हम भी बहुत सैकड़ों उसमें गए हैं मूर्तियों में स्थापित। जब मूर्ति स्थापित करते हैं उसमें कोई भी हाथ लगा सकता है। और जो उनका वो पाठ अनुष्ठान जो किया था वो पति पत्नी नहीं किया था, तो ये तो कुछ भी कह देते हैं, कहने का एक तरीका अलग। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हालांकि सब बहुत ही पॉजिटिव हैं और इस उपलक्ष्य को अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन एक अगर मैसेज की बात करें तो वो क्या देना चाहेंगे? देखिए हिंदुस्तान में राममयी हो गया है आज पूरा, आप जिधर देखिए भारत राममय, पूरा भारत। आज कभी जयंती निकल रही है, कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कोई फटाके छोड़ रहा है कहीं, और घर घर में दीपक जलाया जा रहा है। ये एक नई जागृति आई है और श्री राम के प्रति सब जो पहले भूल गए थे, आज के दिन जिसने भी किए, कोई भी इष्ट रखता है हनुमान जी का, मैं करणी जी का रखता हूँ, जो भी रखता है, लेकिन सब ने यही कहा जय श्री राम जय श्री राम, और जय श्री राम का डंका बजाए और हिंदुस्तान में बजता रहेगा। मोदी जी 24 में आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। क्या कहना है कि मोदी जी 24 में आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और RFC कॉलोनी के अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। प्रहलाद जी, हमेशा से RFC कॉलोनी में पोस्ट बड़ा प्रसादी होती आ रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार आपने इस तरीके से ये पहल करी कि आज के दिन रामलला के उपलक्ष्य के दिन आज आपने ये इस तरीके का किया है, कॉलोनी वासी सारे इकट्ठे हैं और इस तरीके का ये माहौल है, क्या कहना है? आज क्या है, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को रामलला के जो मंदिर की जो आज मूर्ति स्थापना हुई और उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह कि राम हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हम उनके वंशज हैं। आज पूरा देश राममय है, हमारी कॉलोनी के भी सभी जो नागरिक हैं, हमारी विकास समिति है, उन्होंने निर्णय किया कि राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है उस दिन को मनाने के लिए अपने एक इस प्रोग्राम को आयोजित करो। जो सुबह से हमने ये प्रोग्राम कर रखा है, मंदिर में सुबह सुंदरकांड पाठ कराया गया, भजन कीर्तन कराए गए, रोशनी कराई गई पूरे मंदिर पे, और आज हमने प्रसादी का रखा, दिन भर हमारे इसमें राम के लिए प्रोग्राम जारी रहे। इनका कहना था कि प्रसादी और ये सारी चीज़ें इनका किया गया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? शंकर सिंह गोहिल। कैसा लग रहा है, क्या इतना राममय माहौल हो रखा है और आपकी कॉलोनी में पोस्ट बड़ा प्रसादी है और इस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, तो क्या कुछ कहना? ये इतना बहुत अच्छा सुंदर व किया गया है और सुबह से इसमें हिसाब से कर रहे हैं हम, पूरा खुशी हो के, इतने खुशी हो रही है कि जैसे दीपावली आ गई और मज़ा हो गया, राममय हो गया पूरा और चारों तरफ देखा गया है तो खुशी हो रही है। ये थे RFC कॉलोनी के लोग जिनका कहना है कि सब कुछ राममय हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ चुकी है और सभी यहाँ पे बहुत खुश है और इस उपलक्ष्य को बहुत ही अपने अपने तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ अभिजीत शर्मा, द नगरी मीडिया की रिपोर्ट।